हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मल्टीग्रेन डोसा, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे जो है गाइस, मैं रेगुलर राइस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। तो आधी एक कप मैंने राइस लिया है, और जो ये कटोरी है इससे मैं आधी आधी कटोरी सारी दालें यूज़ करूँगी। ऑलमोस्ट 4-5 दालें हैं, और सारे चावल के साथ मिक्स करने के बाद मैं इसका जो है वो डोसा बनाऊंगी। और ये डोसा जो है इंस्टेंट बन जाता है, अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रेस्ट करने नहीं भी रखते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर भी रख लेंगे तो आपका जो डोसा है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो एक कप मैंने राइस लिया है, उसके बाद मैंने आधी कटोरी उड़द की दाल ली है, आधी कटोरी चने की दाल ली है, और आधी कटोरी ये तूर दाल ली है, और आधी कटोरी मूंग की दाल ली है, और एक दाल और लूँगी, वो है हरे छिलके वाली दाल। वो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, इससे क्या इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और सारी दालें जब मिक्स करने के बाद चावल में, मैं इसमें पानी दे करके इसे जो है 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। जब ये चावल अच्छी तरीके से भीग जाएंगे उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। 2-4 दाने यहाँ पर मैंने मेथी के ऐड किए हैं, जिससे कि पचाने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और सारी दालें और चावल मिक्स होने के बाद जो इसका डोसा बनता है काफ़ी अच्छा बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं हमेशा नाश्ते में या रात के डिनर में भी इसे कभी कभी बना लेते हैं। तो अच्छी तरीके से मैंने इसे हाथों से मिक्स कर लिया है, और मैं अब इसमें पानी दे करके इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से 4-5 पानी से वॉश कर लिया, और मिक्सी के जार में मैं इसे 2 बार करके पीसूँगी, एक बार में पूरा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1-2 अदरक के टुकड़े, और जीरा, और खड़ी वाली लाल मिर्ची, जिससे इसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। देखिए, हमने बैटर पीस करके तैयार कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे जो है इसे नमक डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी इसके डोसे। और इसका जो टेस्ट आता है काफ़ी अच्छा आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो ये रेसिपी है वो कैसी लगी। गाइस, आधे घंटे हो चुके थे, और मैंने यहाँ पर गैस पर रख दिया है तवा, और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर हीट किया है, और उसके बाद मैं इसमें डोसे जो है अच्छी तरीके से अपने उतारूंगी। और देखिए, फर्स्ट मैंने डोसा उतारा है, और जिसका बैटर है आधे घंटे के लिए रेस्ट भी करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैं अब थोड़े से ग्रेट की हुई चीज़ें डालूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है बारीक कट किए हुए प्याज डाले हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चटनी और सांभर के साथ इस डोसे को खाना है तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, हमारे घर में तो सबको ऐसा ही पसंद है। तो बस मैं इसमें प्याज डाली हूँ और हरा धनिया, और यहाँ पे मैं इसमें ग्रेट किए हुए जो है गाजर है वो ऐड कर दूँगी। इसमें आप चीज़ या पनीर भी ऐड कर सकते हैं, तो अभी जो है मेरे पास में पनीर नहीं था, नहीं तो मैं वो भी इसमें ग्रेट करके डाल देती हूँ। और बस मैं इसे यहाँ पे जो है घी से या कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। चलिए देखते हैं इसके क्या हाल चले। मैंने इसे ढक दिया था ताकि ये स्टीम से जो इसकी सब्जी है ऊपर प्याज और गाजर वो थोड़ा स्टीम हो जाए। और अब देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ और काफ़ी क्रिस्पी बनाया है ये, और क्या कहते हैं, इसे मैं चटनी के साथ सर्व करूँगी। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वही बनाइए, और उसके साथ अपने जो फैमिली है उसे खिलाइए, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पे रह करके हम लोग जो है अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो देखिए, मेरा हेल्दी सा डोसा बन के तैयार हो गया है, और मैं इसे सर्व कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया है, और मैं इसे यहाँ पे जो है
अदरक की चटनी के साथ सर्व करूँगी। इसकी रेसिपी जो है मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरा ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।